हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके ही चैनल ड्रीम इलेवन डॉक्टर में एक बार फिर से। जो मैच हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो होने वाला है लाहौर वर्सेस कराची का मैच। इस मैच की वीडियो मैंने डाल दिया है, ये दिन में मैच है, ये थोड़ा उसी शाम को ही मैच है, ये 5 घंटे बाद। तो यहाँ पे ड्यू फैक्टर होने वाला है, यहाँ ड्यू फैक्टर आपको दिखने वाला नहीं है। तो यहाँ पे टॉस जीत के टीम बैटिंग बॉलिंग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे जरूर पहले टीम टॉस जीत के बैटिंग बॉलिंग कर टीम पहले टॉस जीत के बॉलिंग करना ही चाहिए फर्स्ट। तो यहाँ पे मैंने इस मैच की वीडियो डाल दी, फटाफट जाके देख सकते हो इस मैच की वीडियो की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पे नया है तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, जो हमारे सेम YouTube चैनल के नेम से। नीचे YouTube चैनल का नाम देख लो हमारा क्या है, ड्रीम इलेवन डॉक्टर। डी स्पेलिंग करके दिखाते हैं एक बार आपको, डी आर ई ए एम इलेवन डॉक्टर, डी ओ सी टी ओ आर। जब ये सर्च मारोगे ना आप टेलीग्राम पे ड्रीम इलेवन डॉक्टर, तो आपको ऑलमोस्ट 10,000 सब्सक्राइबर्स वाला 9,000 कुछ 900 कुछ हो रहे होंगे, या फिर 10,000 हो चुके होंगे, तो 10,000 हो चुके सब्सक्राइबर। तो सब्सक्राइबर वाला चैनल दिखेगा ड्रीम इलेवन डॉक्टर सर्च मारने से, और जो फोटो लगी होगी ग्रैंड लीग में रैंक 1 की लगी होगी, तो फटाफट जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, वो हमारा चैनल है। तो आते हैं मुद्दे की, यहाँ पे मैच है, सेम ग्राउंड में मैच है गद्दाफी लाहौर में। तो यहाँ पे तो देखते हैं क्या होने वाला है। पहले एक मैच खेल चुके होंगे तो थोड़ी पिच थोड़ी यहाँ पे रफ हो सकती है, यहाँ पे क्रैक वगैरह आ सकते हैं। तो पहले बैटिंग जो पहला वाला मैच है उसमें तो बैटिंग पिच होने वाले, दूसरे मैच में ये ऑलमोस्ट बैटिंग पिच है, क्योंकि इस पिच पे काफ़ी अच्छा बैटिंग स्कोर देखने को मिला। पिछले मैच में लिन और फखर धवन ने क्या बैटिंग करी, लिन ने सेंचुरी मार दी, और उससे पिछले 3-4 मैच देखे जाए तो 4 मैच में बनती है 8 इनिंग, जिसमें से 6 बार तो उन्होंने 180 के आसपास स्कोर मारा है, और 2 बार टीम एक बार 98 पर आउट हो गई, एक बार जल्दी आउट हो गई। तो वो कभी कभार हो जाता है, भले ही पिच इतनी अच्छी बैटिंग क्यों ना, पर एक टीम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करे तो फिर बैटिंग पिच क्या करेगी। वैसे बैटिंग अच्छी खाती बैटिंग पिच है। पेसर और स्पिनर्स का सपोर्ट देखा जाए, पेसर्स को ज़्यादा सपोर्ट है एज अ स्पिनर्स है, क्योंकि स्पिनर्स बैटिंग पिच है तो यहाँ पर स्पिनर्स के लिए ज़्यादा हेल्प है नहीं, और क्रैक्स वगैरह इतने हैं नहीं। दूसरी बात की जाए बाद में देखते हैं, पिच टॉस के बाद देखते हैं पिच क्या बनती है, पिच में अगर कोई क्रैक वगैरह हो तो बात करते हैं फिर आफ्टर टॉस टेलीग्राम पे। बाकी अगर देखा जाए डेथ वगैरह में पेसर्स बॉल ओवर करते हो, पेसर्स को ज़्यादा विकेट मिलने के चांसेस यहाँ बनते हैं स्पिनर्स के कंपैरेटिवली, पेसर्स को ज़्यादा विकेट मिलने के चांसेस, अच्छा स्कोर देखने को मिल सकता है आपको यहाँ पे। याद करें बैंड डंका बैटिंग ऑर्डर सेकंड या थर्ड डाउन रहेगा, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 2 मैच में काफ़ी अच्छा इंप्रेस किया है, और काफ़ी अच्छे इसने रन भी मारे, 90+ रन मारे, तो काफ़ी इंप्रेस किया 2 मैच में इसने, और प्लस विकेट कीपर से कैचिंग स्टंपिंग के पॉइंट भी दे रहा है यहाँ पे बैंड डंक, और काफ़ी इंप्रेस किया इस बंदे ने भाई। और इससे पहले से मजानती सुपर लीग अफ्रीका में जो सुपर लीग होती है मजानती सुपर लीग, वो भी इसने वहाँ पे मैच में 99 रन मारे थे और काफ़ी इंप्रेस किया। पर बिग बैश लीग में इसको बैटिंग ऑर्डर इसका ऊपर नहीं खिला रहे थे, कभी नीचे खिला रहे थे, तो मतलब इसका बैटिंग ऑर्डर पूरा बिगाड़ के रखा हुआ था, उस कारण बिग बैश लीग में पूरा फ्लॉप रहा। पर उसके बाद इसको यहाँ पे अच्छा ज़्यादा मौका मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा भी रहा है बैंड डंक। डैन विला खेलेगा नहीं फिर यहाँ पे, चैडविक वॉल्टर ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, क्योंकि टीम के मेन मेन प्लेयर चले गए तो इसको काफ़ी अच्छा बैटिंग करने का मौका मिल रहा है, तो विकेट कीपिंग भी कर रहा था, कैचिंग स्टंपिंग में पॉइंट भी देने वाला, दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाला। चैडविक वॉल्टर और बैंड डंक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और दोनों ही अच्छी खासी फॉर्म में है, डैंग डंक तो ज़्यादा अच्छी फॉर्म में दिख भी रहा है। यहाँ बात करें आप मोहम्मद रिजवान एक क्लास प्लेयर, अगर आपने अफगानिस्तान प्रीमियर लीग, अगर आपने कब की बात है, अक्टूबर नवंबर की बात है, अफगानिस्तान प्रीमियर लीग हो रही है, इसके साथ साथ एक पाकिस्तान में भी पाकिस्तान में कोई एक लीग चल रही थी उसमें कैप्टन हुआ करता था अपनी टीम का, वहाँ इसने बहुत इंप्रेस किया था, और रिसेंट में इसने पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचों में डेब्यू किया था, वहाँ पे इसने बहुत इंप्रेस किया, मतलब कह रहा हूँ बहुत अच्छा प्लेयर है, और उसने वनडे वगैरह में रिसेंट में 2-3 सेंचुरी मारी है, तो बहुत इंप्रेस कर रहा है बंदा मोहम्मद रिजवान। पर इसको पीसीएल में खिलाया नहीं अभी इस साल, पर लास्ट मैच खेला था बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे था, तो अगर ये खेलता अगर इसको ग्रैंड लीग में, 2 तरह की टीम बनती है, रिस्की ग्रैंड लीग, सेफ ग्रैंड लीग, रिस्की ग्रैंड लीग उसे कहते हैं, जैसे आप चाहते हो कि आपको पैसा बड़ा मिले या फिर आपको एंट्री फीस वापस नहीं चाहिए, और सेफ ग्रैंड लीग वो होते चाहते हो कि आपको बड़ा अमाउंट मिल, आपको एटलीस्ट आपकी एंट्री फीस वापस आ जाए, तो आप इसको रिस्की ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। मोहम्मद रिजवान को एक बहुत बड़ा आपके लिए पिक हो सकता है यहाँ पे, मोहम्मद रिजवान एक क्लास प्लेयर है, अगर आप उसकी बैटिंग देखो बैटिंग ऊपर करने का मौका मिल जाए तो ऐसा प्लेयर 50-60 रन आराम से मार सकता है, इसको रिस्की ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर सकता हूँ मोहम्मद रिजवान को। यहाँ बात करते हैं बाबर आजम, तो एक क्लास प्लेयर है, काफ़ी अच्छा प्लेयर है, तो मैं कैप्टन करके इसको जाने वाला स्मॉल लीग में, मुझे हमेशा से पसंद है इसकी पाकिस्तान की टीम में, इसकी कवर ड्राइव में पर्सनली बोलूँ तो मुझे कवर ड्राइव की काफ़ी पसंद आती है, और काफ़ी अच्छा प्लेयर है बाबर आजम यहाँ पे, तो एक मतलब ऐसा प्लेयर है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलता है और अच्छी अपनी टीम को आगे लेके जाता है और बिल्ड करना जानता है इनिंग को। और यहाँ पे क्रिस लिन की बात करें तो अच्छा प्लेयर है, लास्ट मैच सेंचुरी मारी है, बट एक ऐसा इसको इसके अकॉर्डिंग ये पिच भी है, इसने लास्ट मैच इस पिच पर सेंचुरी मारी है, कली मारी है,
बट एक बात ये है कि एक ऐसा प्लेयर है, इन और आउट वाला प्लेयर है, निकल गया जल्दी से निकल जाएगा, नहीं तो फिर एक लंबी नहीं खेल जाएगा। बट बाबर आजम कैसे थोड़ा थोड़ा समझ के खेलने वाला प्लेयर है और अच्छे ऐसे पॉइंट देके जाने वाला प्लेयर है। तो यहाँ पे मैं फकर जबान को लेने वाला, क्योंकि अभी अच्छा खासा फॉर्म, 3-4 लास्ट 4-5 मैचों से काफ़ी अच्छी बैटिंग कर भी रहा है। तो आपके लिए अच्छा चॉइस होने वाला फकर जबान हो के, बाबर आजम हो के, क्रिस लिन हो के, तीनों ही टॉप ऑर्डर बैटिंग करने वाले, तीनों को लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीनों के ऐसे कैपेबिलिटी है, तीनों ही T20 में सेंचुरी मारने की कैपेबिलिटी रखते हैं। यहाँ बात करें सरजी, शर्जील खान ने तो इतने अभी बीच में तो इसको बैन हो गया था, उससे पहले इसने बहुत इंप्रेस किया था, ये ऑस्ट्रेलिया और इंटरनेशनल टीम में खेला करता था और इसे बहुत इंप्रेस किया था। इसके पास इतनी बढ़िया पावर हिटिंग बैट्समैन है, बट वो कोई कारण रहा होगा, ये बैन वैन हो गया, कुछ फिक्सिंग रही होगी, कुछ जो भी रीज़न था तो हमें पता नहीं, प्रॉपर जो भी है, तो इसके कारण ये बीच में टीम से बाहर रहा। तो वापस आया तो इसने बहुत इंप्रेस करा द्वारा बैटिंग से, काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहा है, एकदम डिस्ट्रक्टिव बैटिंग कर रहा है ओपनिंग में, उसको लेके जाने वाला काफ़ी अच्छा प्लेयर है। और इसने उससे पहले, जो बैन से पहले भी बहुत इंप्रेस किया था, कह रहे थे कि टीम में एक बड़ा प्लेयर आया और उसने काफ़ी रन मारे भी तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने भी। तो बट अब वापस आया तो काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस करके दिखा भी रहा। सलमान बट को मौका मिलने खेलेगा नहीं, सोहेल अख्तर फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आ रहा है, फर्स्ट डाउन या अपने आपको ओपन रखेगा, जो भी रखेगा, एक काफ़ी अच्छा प्लेयर है सोहेल अख्तर, कैप्टन है टीम का, काफ़ी अच्छे अपने आपको पॉइंट, काफ़ी अच्छा आपको मतलब पॉइंट दे सकता है, काफ़ी अच्छा क्लीन हिटर बैट्समैन है। T20 के हिसाब से देखा जाए तो कंप्लीट प्लेयर है यहाँ पे सोहेल अख्तर, और काफ़ी अच्छी हिटिंग कर लेता है। टॉप 3 बैट्समैन की टीम के हमारे पास यहाँ चुके, एक बैन डंक आ गया, यहाँ ये तीन हो गए, तो काफ़ी अच्छी चॉइस आपके पास हो सकती है। यहाँ पे एजिया को अगर आप पता नहीं तो खिलाएंगे नहीं, वैसे मुझे पता है, पर थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि अगर आपको वहीं पे अफगानिस्तान प्रीमियर के अकॉर्ड, जब अफगानिस्तान प्रीमियर लीग हुई थी उसके साथ साथ एक पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान की लीग चल रही थी T20 की, वहाँ भी इसने बहुत इंप्रेस किया था, हर मैच में ये 50-40 रन मार रहा था। तो एक ऐसा प्लेयर है बाई चांस, अगर क्योंकि भारत विदेशी प्लेयर चले गए, मतलब फॉरनर्स चले गए प्लेयर, तो इसे मौका मिलता है तो ये बहुत अच्छा प्लेयर है ग्रैंड लीग के ट्रैकर्स, तो रिस्की टीम में। इफ्तिकार अहमद बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर रहा है, और इसने अभी रिसेंट में जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गई थी वहाँ इसने पाकिस्तान की पूरी टीम फ्लॉप हो रही थी, इसने अकेले ने 150 रन मारे थे एक टेस्ट T20 मैच में। तो एक स्टार्क, पैट कमिंस, केन रिचर्डसन, झैंपा जैसे बॉलर के सामने इसने काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी, जहाँ बाबर आजम ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी इसने, और बाबर आजम ने बहुत इंप्रेस किया था उस T20 सीरीज़ में। इफ्तिकार अहमद अपनी टीम में ले सकते हो स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग दोनों में इफ्तिकार अहमद। यहाँ बात करें आबिद अली को मौका मिल सकता है, बट मुझे टेस्ट प्लेयर है एक तरह, और एक स्लो खेलता है थोड़ा, और काफ़ी अच्छा प्लेयर है आबिद अली, और रिसेंट में इसने टेस्ट मैच में 2-3 सेंचुरी मारी है, तो टेस्ट टाइम का प्लेयर है, बट बैटिंग का मौका मिलता है अगर टीम में खिलाती है, तो ऐसा प्लेयर है जो टीम इनिंग्स को बिल्ड करना जानता है, जो जल्दी विकेट नहीं देता। तो आबिद अली अपनी ग्रैंड लीग की रिस्की टीम में ट्राई कर सकता है अगर खेलता है। यहाँ बात करें जाहिद अली, हमें फैजान को हम इग्नोर करके चलेंगे। इमाद वसीम की बात करते हैं, इमाद वसीम अपने आप को कभी बैटिंग में ऊपर प्रमोट करता है, कभी नीचे कर देता है, तो बड़ी दिक्कत है इसके साथ। अगर ऊपर प्रमोट करता है अच्छे खासे रन मारता है, अगर नहीं करता तो खुद बॉलिंग में ही फ्लॉप होता है, तो फिर टीम पूरा वेस्ट कर देता है ये। तो इसका 27% सिलेक्शन इसी को लेके कि अपने आपको कभी प्रमोट करता है कभी नीचे भेजता है, तो अब थोड़ा इसको देख के दिक्कत ही हुआ है कि इसको ले या छोड़े, बड़ी दिक्कत है इसके साथ। तो हम आपको, अब हम चाहे तो डंक को निकाल सकते हैं टीम को, टीम से, क्योंकि टॉप ऑर्डर है, एक बार डंक को निकाल के देखते हैं टीम से, क्योंकि डंक निकलता है तो यहाँ पे इमाद वसीम आ जाएगा, हफीज़ आपके अच्छा तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, पर यहाँ पे समित पटेल भी है, ये देख के चलते एक बार, ऐसा कुछ बनाते हैं कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हफीज़ भी आ रहा है, समित पटेल भी आ रहा है, हफीज़ अपने आपको बैटिंग ऑर्डर प्रमोट ऊपर नीचे हो सकता है, काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहा है, लास्ट लास्ट में 35 रन मारे थे बहुत कम बॉलों पर, काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी, और लास्ट में तो 4 ओवर भी डाले थे, इसमें एक विकेट भी ली थी। तो हमें बैटिंग बॉलिंग दोनों से हमें क्वेश्चनिंग करता है यहाँ पे हफीज़, अगर इनका टॉप ऑर्डर जल्दी आता, जैसे ये जल्दी आउट आते हैं लिन और यहाँ पे फखर जमान में से कोई जल्दी आउट होता, तो जरूर है कि हफीज़ प्रमोट हो सकता है और काफ़ी अच्छी इनिंग को बिल्ड कर सकता है, एक रोक की विकेट ना गिरे इसलिए उसको प्रमोट कर सकते हैं हफीज़ को। और यहाँ पे समित पटेल ने बहुत इंप्रेस किया, इसी बीच में इसने 4 विकेट भी निकाले थे इसने, और एक मैच में 2 विकेट भी निकाले थे, काफ़ी इंप्रेस कर रहा है समित पटेल, 4 विकेट भी निकाल चुका है, तो काफ़ी अच्छे विकेट निकाल रहा है, बैटिंग का मौका मिला, बैटिंग का परफॉर्मेंस करके जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा पिक रह सकता है आपके लिए यहाँ पे डेविड वीस। ये यहाँ पे समित पटेल, डेविड वीस का क्या है कि ये तो T20 में डेथ में काफ़ी अच्छी बॉलिंग करता है, विकेट निकाल के जाता है, और लास्ट में जैसे 2 विकेट भी निकाले थे, काफ़ी अच्छा प्लेयर डेविड वीस, बैटिंग का मौका मिला तो काफ़ी अच्छी बैटिंग करता भी है, और T20 में अगर आप लास्ट में आपने देखा होगा तो ऐसे शार्क की तरफ से खेलता है, वहाँ इसने बहुत इंप्रेस किया, टीम का एक मेन ऑलराउंडर की तरफ से खेलता है, जब टीम को जरूरत होती है तो बैटिंग से अच्छे खासे पॉइंट देके जाता है, और बॉलिंग में भी काफ़ी अच्छे पॉइंट देता है, डेथ में बॉलिंग डालता है, इसका सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि डेथ में बॉलिंग डालता है, डेथ में ना लास्ट में जो 19-20, 18-19-17, 18-19-20 ओवर होते हैं वहाँ बैट्समैन हिटिंग करने के सोचते हैं, तो वहाँ इसको बैट विकेट मिलने का चांस ज़्यादा होते हैं। कैमरन डेलपोर्ट भी लेने का बहुत मन कर रहा है मेरा, पर मैं यहाँ पे समझ पड़ेगा, अब मैं कैमरन डेलपोर्ट का जाता हूँ तो एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए यहाँ पे डेलपोर्ट। तो यहाँ से ही मेरे रन के साथ टॉप 4 आ चुके हैं, यहाँ से टॉप 4 आ चुके हैं, एक तरह देखा जाए बॉलर आ गया यहाँ पे इनके, ये पार्ट टाइम कर लेता है, और यहाँ पे अमीन अमीन यहाँ पे सलमान और सिक्कू के प्रसन्न ना खेल नहीं रहे तो इनको इग्नोर ही करेंगे। तो बड़ा मेरा मन है यहाँ पे कि समित पटेल को लेने का, स्मॉल लीग में ग्रैंड लीग दोनों की पिक है, इमाद वसीम स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों की पिक है, वीस ग्रैंड लीग की पिक है,
यहाँ बात करें शाहीन शाह अफरीदी बहुत इम्प्रेस कर रहा है बंदा, हमेशा 3-4 विकेट लेके जाते ही जाता है और काफ़ी इम्प्रेस करके आता है। यहाँ पे आपको लगता है कि अगर आप में खेल रहे हो तो आपको एक बड़ा प्लेयर मिस करना ही पड़ेगा क्योंकि क्रेडिट की प्रॉब्लम आने वाली है। शाहीन शाह अफरीदी और जॉर्डन दोनों को ही छोड़ने का मन नहीं करता, मुझे दोनों ही T20 में पर्सनल पसंद है। और शाहीन शाह अफरीदी इसके लिए किसी मैच में 3-4 विकेट लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे निकाल लेता है ये बंदा। जॉर्डन बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों ही मतलब फील्ड से अच्छा खासा एक पॉइंट देने की कैपेबिलिटी रखता है यहाँ पे। बट हमें क्रेडिट की दिक्कत आ रही है तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे जाता हूँ मैं, अर्शद इकबाल का फिलहाल ने 2 विकेट निकाले। यहाँ पे वकास मकसूद मुझे बहुत पसंद है, इसने जितने भी डोमेस्टिक मैच खेले हो जितने मैं इसको पर्सनली जानता हूँ 1 साल से, इसने बहुत विकेट निकाले। बंडल से बंडल कतर T10 लीग हो या फिर आपने मैंने बताया पाकिस्तान की जो सुपर लीग टाइप हुई थी वहाँ इसने बहुत इंप्रेस किया था। पर अर्शद इकबाल के पॉइंट ज़्यादा है तो लोग इसके साथ जाएंगे तो दिक्कत है। यहाँ पे मैं अर्शद इकबाल के साथ जा सकता हूँ। बट यहाँ पे दिलबर हुसैन ने बहुत इंप्रेस करा यहाँ पे रिसेंट में। मेलबर्न स्टार्स मतलब जो आपने बिग बैश देखा होगा मैक्सवेल वाली टीम, वहाँ इसको अपनी टीम में फ्रेंचाइजी ने लिया भी था। तो मतलब एक फॉरेन फ्रेंचाइजी किसी प्लेयर को लेती है उसमें प्लेयर में कुछ बात होगी, तो बहुत इंप्रेस किया उसने। रिसेंट में भी एक मैच में 4 विकेट भी लिए पाकिस्तान सुपर लीग में, तो बहुत इंप्रेस किया। दिलबर हुसैन आपके लिए अच्छी पिक बन सकता है। बट मैं चाहूँगा रॉफ के साथ मोहम्मद आमिर आपके लिए अच्छी चॉइस है। बट अभी क्रेडिट की दिक्कत आ रही है, पर एक अगर आपके लिए लिन निकाल के देखते हो आपके पास अच्छे अच्छे ऑप्शन आ जाएंगे। तो बट यहाँ पे हमें रॉफ के साथ जा सकता हूँ क्योंकि रॉफ ने बहुत इंप्रेस किया यहाँ पे। इसने मेलबर्न स्टार के साथ खेला था तो वहाँ एक तरह लीडिंग विकेट टेकर था जिस मैच में इसने ये खेला था मेलबर्न स्टार से, वो सारे मैच इसने जितवाए थे और वहाँ इसने हैट्रिक भी ली थी हरीश रॉफ ने। तो यहाँ पे ऐसे शायद बाकी को मैं इग्नोर ही करूँगा। उस्मान मीर ने काफ़ी अच्छी स्पिनर टाइप के बॉलर है और अच्छी बॉल डाला था कल वॉटसन को, उसने 3-4 बॉल परेशान भी किया था। बट देखा जाए तो ऑल ओवर ठीक था बट इतना इंप्रेस नहीं करा इसने। तो फिलहाल टेम्परेरी टीम मेरी ये रहेगी, यहाँ पे मैं हरीश श्रॉफ के जा रहा हूँ। तो आप जा सकते हो यहाँ पे दिलबर हुसैन को ले सकते हो, बट मैं हरीश श्रॉफ उम्मेद आसिफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ गलती हो गई यहाँ पे, उम्मेद आसिफ यहाँ पे ही ले सकते हो। वकास मकसूद की जगह यहाँ पे हरीश श्रॉफ ले सकते हो क्योंकि इसने बहुत इंप्रेस किया। उम्मेद आसिफ जैसा बॉलिंग आ रहा बैटिंग कर लेता है काफ़ी अच्छे पॉइंट देकर जाता है। तो टेम्परेरी टीम है, मैं मेरा मन बहुत है जॉर्डन और आमिर को लेने का बट क्या करूँ ले नहीं पाऊंगा। उस्मान खान शिनवारी ग्रैंड लीग के लिए रिस्की ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट पिक है। ये ऐसा प्लेयर 3-4 विकेट किसी मैच में निकाल के दे सकता है अगर खेलता है तो। भैया खेलेगा नहीं क्योंकि इंपॉर्टेंट मैच है। तो दिलवर हुसैन ले सकते हो यहाँ पे। वकास मकसूद हो गया आपके पास, उमेद आसिफ हो गया, हरीश श्रॉफ के जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है इसकी बॉलिंग एक्शन वगैरह। यहाँ पे मुझे मकसूद ही बहुत पसंद है यहाँ पे, तो मैं जा रहा हूँ हरीश श्रॉफ के साथ। आमिर और मैं जॉर्डन ले तो पाऊंगा नहीं, क्रेडिट की दिक्कत है। अगर यहाँ पे किसी प्लेयर को इग्नोर करते हैं जिसके क्रेडिट ज़्यादा है तो आप ले पाओगे नीचे वहाँ पे प्लेयर्स को। फिलहाल टेम्परेरी टीम यहाँ के टॉप 4 इनके बैट्समैन यहाँ से कवर हो गए, इनके 4 बैट्समैन यहाँ से कवर हो गए। यहाँ पे 3 बॉलर आ गए, एक तो ये 4 बॉलर एक तरह से कवर हो गए। एक बैटिंग पिच है तो क्या पता अच्छा खासा स्कोर आपको बॉलिंग में इतना विकेट ना मिले। बट जॉर्डन और आमिर बहुत गजब प्लेयर हैं यार, उनको मन नहीं करता इग्नोर करने का टीम से। तो टेम्परेरी टीम में कैप्टन बनाता हूँ मैं यहाँ पे आजम को, वाइस कैप्टन लिन या जमान को बना लो। जमान लिन को बना लेते पर जमान थोड़ा सेंसिबल प्लेयर है, दोनों ही अच्छे हैं किसी को भी कर सकते हो वाइस कैप्टन, पर कैप्टन मेरा रहने वाला है यहाँ पे बाबर आजम। तो फिलहाल टेम्परेरी टीम मेरी यही रहेगी। फाइनल डे आपको आफ्टर टॉस टेलीग्राम पे मिल जाएगी, फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। सेम हमारे यूट्यूब चैनल के नहीं थे ड्रीम 11 डॉक्टर, 10,000 के अकॉर्ड आसपास सब्सक्राइबर्स होंगे जब सर्च मारोगे टेलीग्राम पर ड्रीम 11 डॉक्टर, DREAM11 डॉक्टर, और फोटो लगी होगी चैनल पर ग्रैंड लीग रैंक 1 की। तो फिलहाल टेम्परेरी टीम की फाइनल डे आपको आफ्टर टॉस टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मार देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए जब भी वीडियो अपलोड करूँ। तो आप कैप्टन कर सकते हो ग्रैंड लीग में शाहीन शाह अफरीदी को, 2, 3 जमान हफीज, यहाँ पे इमाद वसीम को जरूर लेना ग्रैंड लीग की टीम में, डेविड वी से समित पटेल बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं यहाँ पे जो मिस हो गए हैं क्रिकेट की वजह से। समित पटेल बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहा है बॉलिंग बैटिंग से, खासकर ज़्यादा बॉलिंग से। यहाँ पे हफीज़ काफ़ी वो 20 आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट पिक रहेगा। और यहाँ पे बात करें एक और प्लेयर मिस कर रहा हूँ, इमाद वसीम, बैटिंग को प्रमोट करता है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देने वाला कैप्टन है टीम का, तो पूरे 4 ओवर डालेगा प्लस आपको बैटिंग से भी पॉइंट दे सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे किसी बड़े प्लेयर को अगर इग्नोर करते हो, रिस्क लेते हो किसी बड़े प्लेयर को टीम से आपको लगता है फ्लॉप होगा, तो आप यहाँ पे ये ले पाओगे। फिर यहाँ पे आमिर भी ले पाओगे हरीश श्रॉफ की जगह, जॉर्डन ले पाओगे यहाँ पे, और यहाँ पे इमाद वसीम भी ले पाओगे। तो फिलहाल टेम्परेरी टीम में फाइनल डे फोटोज मिल जाएगी। मिलते हैं नई वीडियो का, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय। एक डंक को भी ट्राई कर सकते हैं, डंक आ गया यहाँ पे डंक, ठीक है।